तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अब जा रहा हूँ नाश्ता करने। तो गाइस, एक प्रॉब्लम आ गई है, नाश्ता ख़त्म हो चुका क्योंकि मैं लेट हो गया आने में ना, तो सारा नाश्ता ख़त्म हो चुका। थोड़ा सा नाश्ता बचा है, ये देख सकते हैं कितना नाश्ता है। तो फिलहाल नाश्ता तो हो चुका है और नाश्ता ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए मैं केला खा लूँ एक। तो अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और आज बहुत बारिश हुई है सुबह सुबह, क्योंकि मैं तो सोया था तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ रोड पे पूरा पानी भरा हुआ है। ये देखिए, रोड अभी भी भींजा हुआ है बारिश से, और मौसम देख सकते हैं कितना अजीब हो गया है। और बारिश होने के कारण मौसम एकदम सुहाना लग रहा है, मेरे ऑफिस की तरफ तो और भी अच्छा लग रहा है। देखो, अभी मैं आया हूँ इधर और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है गाइस। तो ऐसे मौसम में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और आता है, तो अभी जा रहे हैं चाय पीने हम लोग। तो फिलहाल मस्त चाय ले चुका हूँ, और देखता हूँ कि ऐसे मौसम में पीने का कितना मज़ा आता है। तो फिलहाल अभी छुट्टी हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम, और देखता हूँ आज शाम का क्या प्लान है गाइस। तो फिलहाल अब मैं आ चुका हूँ अपने रूम। और गाइस, कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हमारे देश में, रेलवे का एक्सीडेंट हुआ जिसमें करीबन 200 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं और 900 से लोग अधिक से लोग घायल हो चुके हैं गाइस। और ये जो एक्सीडेंट हुआ गाइस, वो रेलवे का सिग्नल फेल होने के कारण हुआ। तो हमें ऐसा लग रहा है गाइस कि अपने रेलवे सिस्टम में ना बहुत सुधार की ज़रूरत है और अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसी घटना फिर से हो सकती है अगर नहीं अपग्रेड किया गया तो जिसके पास भी कुछ नया प्लान है तो वो प्लीज़ जाके इंडियन गवर्नमेंट को बताएं कि इसको कैसे अपग्रेड किया जाए और इस सिस्टम को कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि कीमत बहुत होती है गाइस। इसीलिए अगर हम एक भी जान बचा पाए तो बहुत अच्छी है, हो सकता है आपका एक प्लान बहुत सारे लोगों की जान बता सकता है। तो ऐसा जिसके पास भी है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएँ, इंडियन रेलवे के पास जाएँ, या फिर मैसेज करें, यूट्यूब पर कुछ वीडियो अपलोड करें इस बारे में कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। मतलब जिसके पास भी जैसा भी हो वो बताएं जाके कि क्यों क्या किया जा सकता है, क्योंकि अदर कंट्रियों से तो हमारा रेलवे बहुत पीछे है गाइस। और अदर में कंट्रियों में देखा हो कि बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं, बट इंडिया में कुछ कभी कल ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिलहाल जिसके भी परिवार में लोग खोए हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करेगी, और लोगों से भी अपील है कि वो भी हेल्प करें, और जो भी उसके आसपास में है वो उनको जाके सहायता मुहैया कराएं, हॉस्पिटल में जाके उनकी सेवा करें गाइस। आपको भी अच्छा लगा होगा अगर इस। तो अब मैं जा रहा हूँ खाने, क्योंकि अब बज चुके हैं रात के 10, तो अब मैं जा रहा हूँ खाने गाइस। और उनको जब से मैंने सुना ना गाइस, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब बहुत अजीब लग रहा है मुझे सुन के। तो फिलहाल खाने बना दाल मटर की सब्जी, ये है छोले, और ये बने हैं चिकन, और इधर मस्त रोटी बन रही है। ये देख सकते हैं भाई कितना मस्त बेल रहा है, क्या भाई कुछ बोलोगे? नहीं बोल। तो फिलहाल मस्त खाना आ चुका है और अब मैं जा रहा हूँ खाने। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब जो करें गाइस, या फिर रेलवे फेंके मारे या फिर पटरी फेंके मारे, मुझे नहीं पता गाइस, मजाक कर रहा हूँ गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ गाइस अगर कुछ भी आपके पास ऐसा कुछ है तो आप इंडियन गवर्नमेंट या फिर रेलवे को जाकर आप इन्फॉर्म करें और बताएँ ज़रूर। ओके गाइस, टाटा बाय बाय।